इंडिया ने तो बहुत सारे डैम बना लिए, हमने कोई डैम भी बनाया जी। और जो बनाने लगे थे वो भी टूट गया। अच्छा, दूसरी चीज बारिश हुई है, ये समी इब्राहिम साहब की न्यूज है, बारिश जरूर हुई है ज्यादा, लेकिन क्या इतनी ज्यादा हुई है जितनी ज्यादा तूफान आया है, कि क्या दरियाओं के बंद तोड़े गए हैं जी, या टूट गए हैं? ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत जबरदस्त सवाल आपने किया है। दरिया के बंद जी, तोड़े गए हैं या टूट गए तोड़े हैं? गए हैं या टूट गए हैं, ये इस अच्छा ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितने मिलीमीटर बारिश हुई है और पूरे पाकिस्तान के अंदर, और जैसे कहते हैं ना इंजीनियर्स और साइंसदान जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पानी आया है। क्या जी वो बारिश का पानी और दरिया के चूंकि बंद तोड़े गए तो उसकी वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है? और इसकी वजह जो इब्राहिम सभी बता रहे हैं वो ये है कि इलेक्शन को मुलतवी करने का इरादा रखते हैं ये, इसकी वजह ये है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर 1100 1200 आदमी को मरवा के और $10 बिलियन का नुकसान करा के आपने सिर्फ इलेक्शन ही जीतना है, तो ये मैं कहता हूँ शेमफुल फॉर ऑल पाकिस्तानी एंड ऑल पाकिस्तानी गवर्नमेंट। दैट्स ऑल। अल्लाह जी, ये बात तो इन्होंने बड़ी अच्छी मेंशन की। आके ये देखेंगे उन्होंने कहा तोड़े बंद तोड़े गए या तोड़वाए गए। आप क्या कहेंगे? एक सेकंड, एक कॉलर से पूछूं मैं। जी आप क्या कहेंगे? हेलो जी, ये वसीम भाई से पूछ रही हूँ। वसीम भाई आप बताएं कि बंद तोड़े गए या तोड़वाए गए, उन्होंने बताया जी। ये शेर की झूठी खबरें हैं, बात सुने मीना जी, ये शेर की हर वक्त झूठी खबरें होती हैं। ये पीछे से इंडिया ने भी पानी, ये देखें, ये तो जाफरी साहब तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते, हमेशा साथ बोल रहे होते हैं कि जरा सुन ले वो बात कर रहे हैं, फिर आपसे लूंगी मैसेज, आप बताइए। जब गलत बात करते हैं, जब गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो फिर किसी की सुना भी करो ना। एक मिनट मेरे भाई, होल्ड कर ले। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, बंद तोड़ने की अगर बात करते हैं तो उसका सीधा सीधा एलिगेशन हुकूमत ऑफ पाकिस्तान पे लगता है, विच इज नॉट गुड, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जाएगी और दरियाओं के बंद तोड़ेगी। ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई भी दुनिया की कोई भी कितनी भी गवर्नमेंट जैसी भी हो ऐसा कोई काम करेगी। दूसरी बात, आप इसलिए बारिशों ने सिर्फ पाकिस्तान में तबाही नहीं मचाई, आप हिंदुस्तान में देखें कि हिंदुस्तान में उतनी ही तबाही मची है जितनी पाकिस्तान में। हिंदुस्तान ने अपने डैमों जो उनके ओवरफ्लो गए थे उनके बंद खोल दिए, जिससे पाकिस्तान में फ्लो बहुत ज्यादा तेज हुआ। पाकिस्तान के पास पिछले 30 सालों में वो डैम नहीं बना सकी गवर्नमेंटें, डैम के नाम पे पैसा खा रही थी, जिससे कि ये जुल्म सितम हुआ है। आप अभी भी हिंदुस्तान के चैनल्स उठा के देखें, वहां पाकिस्तान जितनी ही तबाही हुई है मगर उनका रेस्क्यू सिस्टम इतना बेहतरीन है कि बकायदा उनके पास बोट चल रही है, हुकूमत के लोग आए हैं, बकायदा लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से उनके पास टेंट है, उन्होंने ऑलरेडी पहले से बंदोबस्त किया हुआ था। यहाँ तो लोगों के पास कुछ है ही नहीं, बेचारे सड़क पे आए हुए, इन्होंने तो कोई इंतजाम ही नहीं किया। जो शायद भाई बात है कि मैं भी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि कल मैं अल जजीरा पे देख रहा था, पाकिस्तान के दो न्यूरोलॉजिस्ट बैठे हुए थे अल जजीरा टीवी के ऊपर, वो भी यही कह रहे थे कि तकरीबन हर डे के हिसाब से 150 से 225 मिलीलीटर बारिश हुई है पर डे के हिसाब से, कि जो कि अगर आप कनाडा में हम लोग रहते हैं अगर 50 मिलीलीटर बारिश होती है तो बहुत बारिश कहलाती है, बहुत बारिश कहलाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप भी इस बात से एग्री नहीं कर रहे। ये कॉलर भी आ गए, फॉरेन कॉलर एक के ऊपर आते हैं जी। डैम वैम कोई नहीं तोड़ा गया है, कोई डैम नहीं तोड़ा गया है, बारिश बना है ना ये समीना बहन, ये काम होता है बंद तोड़ने वाला काम होता है। यानी कि आप एग्री कर रहे हैं उस बात से कि बंद तोड़ा गया है? एब्सोल्युटली तोड़े जाते हैं। मैं उसकी आपकी वजह बताता हूँ, ये गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, जो उस इलाके के वडेरे, बड़े जमींदार, पंजाब में बड़े बलोच,